हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी अमेजोन की तरफ से। अमेजोन हायरिंग कर रहा है वर्चुअल शिपिंग एंड डिलीवरी सपोर्ट एसोसिएट की पोस्ट के लिए। इसका हायरिंग ऑफिस जो है दैट इज़ लोकेटेड एट कोलकाता, बट जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो ये रिमोट जॉब है, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फुल टाइम जॉब ही आपकी रहने वाली है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। इधर भी अमेजोन काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। जनरली तो वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट की हायरिंग होती है, लेकिन इधर भी जो है कुछ डिफरेंट पोजीशंस की भी हायरिंग हो रही है। अभी मैंने जो इससे पहले ही जस्ट पहले एक वीडियो जो बनाया था वो भी आपका रिटेल सपोर्ट का था, और अब जो है ये आपका शिपिंग एंड डिलीवरी सपोर्ट का है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा हुआ है। ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा गया है कि नहीं मांगा गया। वैसे अमेजोन क्या है, वो एक ही तरीके की क्वालिफिकेशन हर सभी पोस्ट में मांगता है। खैर, कुछ में इंटरमीडिएट मांगता है, कुछ में ग्रेजुएशन भी मांगता है। चलिए मैं इसमें देख लेती हूँ। मिनिमम एज जो आपकी रहने वाली है 18 ईयर ओल्ड। ठीक है, हैव द राइट टू वर्क इन इंडिया, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड हिंदी और इंग्लिश एंड बंगाली। ठीक है, तो इससे ही ये क्लियर हो रहा है कि ये सिर्फ आपका कोलकाता के लिए नहीं है, आप कभी कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये कोलकाता के लिए होती तो ये इंग्लिश के साथ बंगाली ही मांगती, क्योंकि एक रीजनल लैंग्वेज मांगी जाती है और साथ में इंग्लिश मांगी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बंगाली को मैंडेटरी नहीं कर रखा है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी हो या तो आपका, या तो इंग्लिश और बंगाली हो। ठीक है, तो इसका मतलब कि आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस वर्किंग विद अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के साथ काम करने का आपको अनुभव होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक साल का अनुभव हो, दो साल का, तो मतलब कंप्यूटर पे काम करने की आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट लाइक अर्ली लेट ओवर नाइट वीकेंड एंड ओवर टाइम एज रिक्वायर्ड। तो उनके कहने का मतलब है कि आपको कभी जल्दी भी काम करने पड़ सकता है, सपोज कि सुबह 7 बजे से भी काम करना पड़ सकता है, कभी लेट भी आपको 10 बजे तक भी काम करना पड़ सकता है। ठीक है, कभी आपको वीकेंड्स पर भी काम करना पड़ सकता है, समटाइम्स ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। तो ये इसके लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि ये इनको जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी है, इनके पास इतना ज़्यादा काम रहता है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो डिलीवरी से रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है, तो डिलीवरी तो वैसे भी जब छुट्टियां होती है या जब कोई ओकेज़न होता है तब तो ख़ास तौर से लोग मंगाते हैं सामान वगैरह। ठीक है, तो उस वक्त तो आपका काम वैसे ही बढ़ जाएगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा कि आपका जो है वो काम कभी भी किसी भी वक्त आपको एक्स्ट्रा काम ओवर टाइम करना पड़ सकता है, और कभी दिन में या कभी रात में भी आपको काम करना पड़ सकता है। ठीक है, यू विल नीड अ क्वाइट डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क स्पेस, डेडिकेटेड ऑफिस स्पेस विद अ डेस्क एंड चेयर। तो आपका जो घर से आपको काम करना है तो घर का जो माहौल होना चाहिए ऑफिस जैसा ही होना चाहिए, वहाँ बाहर शोरगुल की आवाज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्रॉम अ टेक्निकल परस्पेक्टिव अ मिनिमम ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऑफ 20 MB डाउनलोड स्पीड एंड 8 MB अपलोड स्पीड यूजिंग अ हार्ड वायर ईथरनेट इंटरनेट कनेक्शन, नो वाईफाई। ठीक है, तो देखिए, या तो आपका ब्रॉडबैंड जो है वो 20 MB का हो, या आपका इन्होंने ईथरनेट इंटरनेट कनेक्शन मांगा हुआ है। तो देखिए, अमेजोन क्या होता है, अपना सिस्टम भी प्रोवाइड करता है, साथ में आपका जो अलाउंस होता है इंटरनेट से रिलेटेड वो भी आपको देता है। ठीक है, तो ठीक है, जैसा भी ये कन्फिग्रेशन का या जिस भी तरीके का ये ब्रॉडबैंड वगैरह लगाने कह रहे हैं आप लगा लेना, आपको पैसे तो वैसे मिल जाने हैं। ठीक है, और लैपटॉप भी आपको ये देगा अमेजोन, क्योंकि अमेजोन लैपटॉप ही देता है। बस इनका जो असेसमेंट देना होता है उसके लिए ये i5 मिनिमम मांगते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है वो लेटेस्ट मॉडल, तो आप किसी दोस्त वगैरह का ले करके आप असेसमेंट दे दीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास खुद के पास है तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके बाद ही आपको खुद अपना लैपटॉप प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वाईफाई का खर्च भी प्रोवाइड करता है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। व्हाट स्ट्रेंथ विल यू ब्रिंग, तो आप और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग, आर्टिकुलेट एंड डिटेल ओरिएंटेड, फ्रेंडली एंड कस्टमर फोकस्ड इन एवरी सिचुएशन। तो देखिए, आपका भले ही कस्टमर सपोर्ट का वर्क नहीं रहने वाला, आपका डिलीवरी से रिलेटेड ही प्रोसेस का वर्क रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो वर्क घूम फिर के कस्टमर से रिलेटेड तो होता ही है। तो कस्टमर फोकस इन एवरी सिचुएशन, ठीक है, अगर कस्टमर कहता है कि मुझे जल्दी चाहिए या मुझे कैंसिल करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। ठीक है,
एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड एम्ब्रेस चेंज, ठीक है, तो जल्दी से आप सीख सको। बहुत ज़्यादा आपको ये ऐसा ना हो कि तुम से नॉनसेंस समझ में नहीं आ रहा डब्बू, ठीक है। तो हालांकि इतना कोई बड़ा बर्डन वाला काम आपका नहीं है, आपको एक बार ट्रेनिंग होगी तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। कंफर्टेबल मल्टीटास्किंग इन अ हाई एनर्जी एनवायरनमेंट, तो देखिए जहाँ कंपनी इतनी बड़ी रहती है ना वहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग होना ही पड़ता है, क्योंकि आपका भले ही प्रोफाइल किसी एक चीज़ के लिए होता है लेकिन फिर भी आपको दो तीन काम करने पड़ जाते हैं। सपोज़ कि अब आपको इसमें डेटा एंट्री भी करनी है, ठीक है, आपको जो भी डिलीवरी के जो एजेंट हैं उनसे भी बात करनी है, ठीक है, हो सकता है आपको रिपोर्ट वगैरह भी सेंड करनी हो, जो भी चीज़ें हैं कस्टमर को भी सपोर्ट करना हो। आई कांट से आपका यहाँ पे मल्टीटास्किंग लिखा हुआ है, तो आपका इतना समझ लीजिए कि आपका कहीं ना कहीं आपका कॉलिंग मेलिंग दोनों ही काम आपका रहने वाला है, ठीक है, डेटा एंट्री वगैरह भी हो सकता है, तो आपका पूरा ऑफिस जॉब रहने वाली है। और चलिए इसमें बाकी चीज़ें देख लेते हैं। फ्रॉम अ टेक्निकल परस्पेक्टिव मिनिमल ब्रॉडबैंड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर मैं थी आपको, ठीक है, एबिलिटी टू लर्न क्विकली कम्फर्टेबल मल्टी टास्किंग इन अ हाई एनर्जी एनवायरनमेंट, ठीक है। इफ़ दिस रोल साउंड्स लाइक इट्स फॉर यू देन क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस, तो अगर आपको लगता है कि जॉब आपके लायक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया है कि कोई एक्सपीरियंस मांगा जाए, ठीक है, क्वालिफिकेशन में भी देख रहे हैं आप कि इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप कम से कम अगर आप इंटरमीडिएट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, मतलब मुझे लगता है अगर आप हाई स्कूल पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं दे रखी, तो अगर आप इंटरमीडिएट हो तब तो अप्लाई कर ही दो, ठीक है, और ग्रेजुएट वगैरह सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं दे रखा है इसलिए आप जो भी पढ़ाई की है वो आप इसके लिए अप्लाई कर दो, अगर आप उनको लगेगा कि आपको लेना चाहते हैं तो आपको ले ही लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इंसर्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स फुल टाइम पार्ट टाइम प्लस लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये तो और भी ये और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि देखिए यहाँ पे आपको फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों की यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आपकी जो जॉब रहने वाली है ये एक तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रहेगी, ठीक है, सपोज़ कि 6 महीने की है या साल भर की है या 2 साल की है, इसके साथ ही फुल टाइम भी अवेलेबल है पार्ट टाइम भी अवेलेबल है, तो काफ़ी अच्छा मतलब आपके लिए ये प्रोफाइल है, क्योंकि अगर आपको जॉब नहीं पसंद आती है तो भी कोई उसमें वो बात नहीं है, आप पार्ट टाइम कर सकते हो, जब तक आपको दूसरी जॉब नहीं मिल रही है तब तक के लिए आप कर सकते हो, अगर आपको अच्छी लगती है आप इसमें फुल टाइम लगे रह सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अमेज़ॉन इतना बड़ा ब्रांड है, अच्छी सैलरी पे करता है, काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।